वेलकम टू शेखावत मॉडिफायर। सो आज का वीडियो जो है आपने देख लिया स्ट्रोब लाइट के ऊपर रहेगा। तो आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि मैंने पिछले जो कुछ टाइम में स्ट्रोब लाइट के वीडियोस बनाए हैं तो उसके लिए बहुत सी क्वायरी आ रही थी और बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न थी रेट एंड ब्राइटनेस को लेके। तो आज के वीडियो में टोटल मैंने चारों स्ट्रोब लाइट को ले लिया है, पूरा रिव्यू करेंगे, इंस्टॉलेशन बताएंगे आपको बाइक में किस किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ करना है। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन या क्वायरी रहती है तो मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मॉडिफिकेशन करना पसंद है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर शॉर्ट डेमो वीडियो डालता रहता हूँ तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, तो जाके जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। सो गाइस मेनली जो स्ट्रोब लाइट होती है किस लिए यूज़ करते हैं, वैसे तो स्ट्रोब लाइट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ट्रेंड बन चुका है ये, लेकिन इसका जो बेसिक जो स्टार्टिंग से जो काम होता था वो जो है बाइक की बैक साइड में होता था, ताकि जब आप ब्रेक दबाएं आपका स्ट्रोब लाइट उसके साथ कनेक्ट होता है वो काम करना स्टार्ट करेगा और पीछे से जो भी व्हीकल आते हैं उनको पता लग जाता है कि सामने वाले ने ब्रेक लगाए। तो बेसिकली तो वैसे उसका वही फंक्शन होता था, लेकिन अभी जो है मॉडिफिकेशन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आप किसी भी हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। तो तीन से चार तरह की ये मेरे पास स्ट्रोब लाइट है, बैक साइड वाली भी आपको दिखाऊंगा, फ्रंट हैंडल में इंस्टॉल करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और नंबर प्लेट पे जो लगा सकते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको उसमें से जो भी पसंद आती है उसको आप बाय कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो फटाफट चलते हैं, सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे चीप प्राइस वाली से। तो सबसे जो चीपेस्ट है इसके अंदर ये वाली स्ट्रोब लाइट है, जिसके अंदर आपको जो है दो बल्ब मिलेंगे, इसके अंदर आपको एक ही पैटर्न मिलता है और इसका प्राइस रेंज की बात करें तो ये 80 रुपये की आपको दो पीस मिल जाते हैं। तो ये जो है पूरा कंप्लीट सेट होता है जिसके अंदर एक ट्यूनर मिलता है और दो लाइट मिलती है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसका जो ट्यूनर है वो वाटरप्रूफ नहीं है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिटिंग मटेरियल इसके साथ कुछ इस टाइप का है, तो इसकी जो फिटिंग है बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे तो इसे एक नट बना के नट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो ऑलरेडी नट लगे होते हैं बाइक की बैक साइड में उनके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम जो है दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे, हम जो है जो ऑलरेडी बाइक में लगे हैं उन्हीं नट में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो मैं इसकी वर्किंग कंडीशन दिखा देता हूँ। तो गाइस 80 रुपये के हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही बेहतरीन है और रोशनी तो लाजवाब है ही। बाकी इसका नाइट मोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ नाइट के अंदर किस तरह का रिव्यू होगा। सबसे पहले आपको मैं इसमें बाइक की जगह दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से शोकर के नीचे जो है दो आपको अलग से नट मिलेंगे जिनके अंदर आपको जो ईजिली फिट कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से इसकी जो है लुक निकल के आएगी। तो बहुत ही सही लगती है, काफ़ी अच्छी लुक आती है और इस जगह पर ये परफेक्टली फिटिंग भी होती है। तो इस तरह से आप जो स्प्लेंडर अगर आपके पास है तो इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो इस जगह पे। तो अभी नाइट मोड में देख लीजिए आप इसकी रोशनी किस तरह की है। सो गाइस रोशनी के अंदर कोई भी कमी नहीं है, अगर आप इसे ब्रेक लैंप के साथ यूज़ कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि पीछे से आने वाले व्हीकल को जो है अच्छे से ये दिखेगी, बहुत तेज इसकी जो है ब्राइटनेस है। तो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रोब लाइट है वो कुछ इस तरह की है। तो ये जो है बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसके अंदर जो है मल्टी कलर फंक्शन मिलता है। सो तीन कलर इसके अंदर आपको मिलते हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक जो है ब्लू। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर जो है एक साथ जो है फ्लैश करता है वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। सो डे टाइम में आप देख लीजिए इस तरह की इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस है। सो इसको जो आप टेल लाइट के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत से लोग जो है फोर व्हीलर के अंदर भी इसको लगाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। सो नाइट के अंदर कुछ इस तरह की विजिबिलिटी है, तो रोशनी आप देख सकते हो पीछे की तरफ किस तरह से जा रही है, तो बहुत ही पावरफुल ये लाइट है। तो इस तरह से जो इसका लुक निकलता है। सो गाइस नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला स्ट्रोब लाइट है। तो एक्चुअली ये जो है रेड एंड ब्लू कलर का वेरिएंट है, इसके अंदर आपको एक ओनली रेड रेड और ओनली ब्लू ब्लू भी मिल जाता है। सो इसकी स्पेशल बात क्या है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सो सामने की तरफ देख लीजिए क्रिस्टल टाइप जो है इसकी क्वालिटी है। सो अच्छा खासा वायर दिया गया है और इसके अंदर आपको जो है 8 अलग अलग पैटर्न मिलते हैं और इसको जो इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सो इसके अंदर जो है 3 वायर मिलते हैं जिसके अंदर आपको एक में 8 पैटर्न मिलेंगे और दूसरे में एक इमरजेंसी पैटर्न मिलेगा। सो 8 पैटर्न का कनेक्शन हम करने वाले हैं, तो इस तरह से जो ये डे टाइम में दिखेंगे। सो गाइस एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये इस लाइट का भी जो है सेम ही है क्योंकि इसका जो ट्यूनर है वो वाटरप्रूफ नहीं है। लाइटनिंग आपकी जो है वाटरप्रूफ है, लाइट को आप किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्यूनर को आप टेपिंग करते हैं तो बढ़िया रहेगा, उसके बाद जो है पानी की दिक्कत नहीं होगी।
तो कुछ इस तरह की जो है हमारी लाइट आती है, तो रोशनी बहुत ही पावरफुल है। तो रोशनी का आपको मैं डेमो जो है फ्रंट साइड से भी दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो गाइस इस लाइट की जो प्राइस है वो सिर्फ 150 रुपीज़ पड़ती है, तो 150 के हिसाब से आपको 8 पैटर्न मिल जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है ईगल स्ट्रोब लाइट है, तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है, बहुत से लोग मुझसे खरीद भी चुके हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी एल्यूमिनियम की है, काफ़ी सॉलिड बॉडी के अंदर आपको मिलती है। दो वायर का सिर्फ इसमें इनपुट है और इसके अंदर आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे, तो इसका प्राइस रेंज भी 150 ही पड़ेगा आपको। तो ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रोब लाइट है, इसको आप बाइक के हैंडल में फ्रंट साइड इंस्टॉल कर सकते हो। सो डे टाइम में कुछ इस तरह का वर्किंग है इसका, तो अभी मैं आपको हैंडल पे भी दिखा देता हूँ किस जगह पे इंस्टॉल करना है और कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो गाइस बहुत ही पावरफुल लाइट है, शानदार रोशनी इसके अंदर आपको मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो इसका विजिबिलिटी है, तो नाइट टाइम के अंदर तो ये और भी शानदार दिखने वाला है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रोब लाइट की तरफ। सो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोब लाइट है वो इम्पोर्टेड क्वालिटी का है, तो ये जो है इम्पोर्टेड क्वालिटी है। सो ये सबसे यूनिक, सबसे अलग और सबसे महंगा स्ट्रोब लाइट है आज के वीडियो में। सो कुछ इस तरह का बिल्ड क्वालिटी, पूरा बॉडी एल्युमिनियम का है, ऑलरेडी मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। इस तरह का इसका ट्यूनर है और तीन वायर के अंदर आपको इसके अंदर जो ड्यूअल मोड मिलेगा, एक परमानेंट मोड और एक फ्लैशिंग मोड। तो बाइक के अंदर जो है फ्रंट साइड आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप इसे फोग लैंप की जगह भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का इसमें जो है लुक आ रहा है, तो फोग लैंप में भी अच्छे से फिटिंग हो जाएगी, इसमें फिटिंग का कोई भी इशू नहीं है। सो डे टाइम में देख लीजिए किस तरह का इसका परमानेंट मोड है। सो गाइस नाइट में देख सकते हैं जितना पावर एक हेडलाइट लेती है रोड के ऊपर, जितनी विजिबिलिटी एक हेडलाइट लेती है रोड के ऊपर, बिल्कुल उतनी ही रोशनी ये वाले स्ट्रोब लाइट दे रहे हैं। तो दूर से जब आप देख सकते हैं इसका फ्लैश मोड बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सिटी में इस तरह का जो है फ्लैश मोड यूज़ करें, क्योंकि ये सामने वाले के लिए बेहद खतरनाक है। आप इसको जो है ऑफ रोडिंग के टाइम ही यूज़ करें। तो अभी इसकी जो प्राइस रेंज है वो 450 पड़ती है आपको दो पीस की, तो इसके अंदर जो है ब्लू कलर ही अवेलेबल है फिलहाल। सो गाइज ये था स्ट्रोब लाइट का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। और इनको जो है बाय करने का प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे अपनी लोकल मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं, रेट मैंने आपको सभी बता दिए हैं, आप कंपेयर करके आपको जहाँ सही लगे वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो इन प्राइस रेंज में अगर आप लेना चाहते हो तो डायरेक्ट मुझसे भी ले सकते हो, तो कुरियर के थ्रू आपको जो है डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी, ऑल इंडिया डिलीवरी करवाते हैं, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, बाकी जो भी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, एक बार चेकआउट कर लेना। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।